करते हैं अब मिडकैप के महारथी की ओर। आपके महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ आईसीआईसीआई डायरेक्ट के पंकज पांडे जुड़ गए हैं। पंकज, स्वागत है आपका। बताइए, मिडकैप के महारथी में आपका चुनाव आज किस स्टॉक की ओर है? सर देखिए, पहला जो स्टॉक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा बैंकिंग सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर पीएसयू बैंक्स स्पेशली अट्रैक्टिव लगते हैं। एक तो ये कि वैल्यूएशन जनरली पीएसयू बैंक्स का अट्रैक्टिव है, तो जिसमें मैं स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगा वो बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे हमारा टारगेट 165 रुपए का है, तो करीब आपको 25% के आसपास की अपसाइड मिलती है इसमें। अब बैंक ऑफ इंडिया में जो एक चीज हो रही है, ये है कि जो इनका नॉन कॉर्पोरेट लोन्स है वो बुक बड़ा हो रहा है, तो करीब 51% से वो बढ़ के करीब 55% हो गया है लास्ट क्वार्टर तक। एंड बैंक जो है आगे जाके 12-14% का ग्रोथ टारगेट कर रहा है, क्योंकि आपका नॉन कॉर्पोरेट बुक ज्यादा बढ़ रहा है, तो ओवरऑल जो बैंक में नंबर्स की वोलेटिलिटी हिस्टोरिकली कॉर्पोरेट बुक्स की वजह से आती है, आई थिंक वो कम होगी। एंड देन इसके अलावा बैंक मिड कॉर्पोरेट सेगमेंट वगैरह में भी काफी फोकस कर रहा है, जहां पे इनके पास में करीब 40,000 करोड़ का सैंक्शन है। एसेट क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे है। जो इनका ग्रॉस एनपी एक टाइम में करीब 15% के आसपास में था, लास्ट क्वार्टर तक 6% के नीचे जा चुका था। एंड क्योंकि और आगे जाके सिचुएशन इंप्रूव होगा, तो इनका जो आरओएस है वो एक्सपेक्टेड है कि इंच अप या आगे जाके इंप्रूव भी होगा। जो ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरओएस इसका करीब 0.9% तक टच होगा, और ये बैंक का वैल्यूएशन हमें लगता है कि ओवरऑल काफी अट्रैक्टिव है, 0.8 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। एंड एक और चीज जो इस बैंक में अच्छी चीज है कि इसके जो एक सरकारी बैंकों में फियर रहता है कि सरकार का स्टेक ज्यादा है तो कहीं ना कहीं डायल्यूशन आएगा, आई थिंक इसमें ये ऑलरेडी हो चुका है, तो QIP इनका ऑलरेडी हो चुका है, तो ओवरऑल फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव यहाँ पे फर्दर डाइल्यूशन का रिस्क नहीं आता है। तो ये बैंक अगर अच्छा ग्रो करता है तो मेरे हिसाब से इसके रिटर्न रेशियोज इम्प्रूव होंगे और इसकी री रेटिंग की संभावनाएं बढ़ती है। तो बैंक ऑफ इंडिया विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 165। चलिए, 165 का टारगेट और एक साल की अवधि आप रेकमेंड कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया, आपका मिड कैप का महारथी स्टॉक। इसी के साथ